हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित अग्रवाल, योर मैथ्स ट्यूटर। वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके टॉपिक ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को और आगे डीप में स्टडी करने जा रहे हैं। कुछ वहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और एक केस बेस्ड क्वेश्चन भी इस टॉपिक पे आपका कवर अप करेंगे। अपना लेक्चर शुरू करने से पहले, जो भी स्टूडेंट्स हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो। अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 3,18। ये हमें क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर गिवन है 3,18। हमसे पूछा गया है गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। इस पॉइंट से पास होने वाली हमें दो लाइंस की इक्वेशन बतानी है। जब भी आपके पास इस तरीके क्वेश्चन आए कि आपको एक ऑर्डर्ड पेयर गिवन है और आपको उससे पास होने वाली इक्वेशंस की क्या है, इक्वेशंस बतानी है, तो वहाँ पे आप सिंपली क्या करिए, यहाँ पे आपको ऑर्डर्ड पेयर गिवन है 3,18। 3 क्या हो जाएगा आपका x, 18 क्या होगा आपका y। तो यहाँ पे हमारी एक इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, इनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो 3 प्लस 18 क्या होता है हमारा, 21। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 21, ठीक है ना। जब भी आपको कोई इस तरीके की प्रॉब्लम आपके सामने आए जिसमें आपको एक ऑर्डर्ड पेयर गिवन हो और आपको उससे इक्वेशंस फॉर्म करनी हो, ठीक है, तो आप उनके बीच में रिलेशन देखें कि आप किस तरीके से इन दो कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन सेटअप कर सकते हैं। सबसे बेसिक रिलेशन होता है हमारा एडिशन का, तो इसलिए हमने क्या करा, इन दोनों को ऐड कर दिया। 3 प्लस 18 क्या होता है आपका, 21। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या आ गई, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 21। सिमिलरली अब हम सेकेंड रिलेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करके। अब आप देखेंगे इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, अगर मैं इन्हें डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करूं तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 माइनस 18 क्या हो जाएगा, माइनस 15। तो मैं इक्वेशन अपनी सेकेंड इक्वेशन या तो लिख सकता हूं x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 15, और इस इक्वेशन को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं y माइनस x इक्वल्स टू 15। ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पे आपकी ये वाली फॉर्म भी बिल्कुल करेक्ट है और ये फॉर्म भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि इसी पे आपको मार्क्स मिलेंगे, इस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। आपकी दोनों फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है। जब भी आपको एक ऑर्डर्ड पेयर मिला हो और आपको वहाँ से इक्वेशन फॉर्म करनी हो, तो सबसे बेसिक आप अपनी मैथमेटिक्स पे पहुँच जाइए। एक बार हम उन दोनों को ऐड करके एक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे और एक बार हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करके। अगर बाई चांस यहाँ पे मुझसे 3 इक्वेशंस कही होती तो फिर मैं देखता और इनके बीच में क्या रिलेशन अप्लाई हो सकता है। तो क्या है, आप देखेंगे 18 क्या है, 6 टाइम्स ऑफ 3 है, तो मैं एक इक्वेशन और क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू 6x, ठीक है ना, और 6x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगी मेरी, अगर बाई चांस मुझसे इस क्वेश्चन में 2 की जगह 3 इक्वेशन पूछी होती तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा इक्वेशन भी बता दिया। क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है, आपको दो इक्वेशन बतानी थी, पर सपोज अगर आपको एक थर्ड इक्वेशन भी फॉर्म करनी है तो आप इस तरीके से अपनी थर्ड इक्वेशन भी फॉर्म कर सकते हैं। अब क्वेश्चन के अगले पार्ट पे आते हैं, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका किसी भी ऑर्डर्ड पेयर से पास होने वाली इनफाइनाइटली मैनी लाइन हो सकती है, ठीक है। अगर आपको केवल एक सिंगल पॉइंट गिवन है और आपसे पूछा गया है कि इस पॉइंट से, ठीक है ना, इस पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, सच लाइंस आर देयर, ठीक है ना, जो इस पॉइंट से क्या है पास होंगी, तो वहाँ आप आंसर लिखेंगे इनफाइनाइटली मैनी। आप ग्राफ पे भी चेक कर सकते हैं, अगर आप इन तीनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो क्या है, इस पॉइंट से पास हो रहा होगा और उन सब की डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी। और ऐसी और भी बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती हैं, तो इसलिए जब भी आपसे पूछा जाए कि किसी एक ऑर्डर्ड पेयर से पास होने वाली कितनी लाइंस हो सकती हैं या और कितनी इक्वेशंस हो सकती हैं, तो वहाँ पर हम आंसर लिखेंगे कि ऐसी इनफाइनाइटली मैनी लाइंस और इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस आपकी पॉसिबल हो सकती हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़,
On the graph paper, draw straight lines 3x minus 2y equals to 4 and x plus y minus 3 equals to 0. अभी तक हमने जितने भी questions cover करे थे तो वहाँ पे क्या था, आपको single equation given थी और उसका आपको graph plot करना था. पर यहाँ पे क्या है, आपको same graph paper पे दोनों ही आपकी equations का graph plot करना है. और फिर उसके बाद एक और चीज़ पूछी गई है, वो भी पढ़ लेते हैं. Also find their point of intersection on the graph. अब जब हम इन दो lines को plot करेंगे तो ये क्या है, आपकी ग्राफ पे कहीं ना कहीं क्या है, इंटरसेक्ट करेंगी. तो हमें वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मतलब एक पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों क्या है, आपस में मीट कर रही होंगी. तो हमें वो पॉइंट भी फाइंड आउट करना होगा अपने ग्राफ की हेल्प से. अब सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, अपनी पर्टिकुलर दोनों इक्वेशंस के मिनिमम 3-3 सॉल्यूशंस हमें फाइंड आउट करना है. जब हम अपनी दोनों इक्वेशंस के 3-3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम उन्हें ग्राफ पे प्लॉट करेंगे वन बाय वन. और फिर वहाँ से जो हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसे फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले अपनी पहली इक्वेशन नोट डाउन कर लेते हैं. हमारी पहली इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4. ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक करेंगे, ये जो आपका 4 है, दैट इज़ जो आपका कांस्टेंट पार्ट है, वो आपका a और b दोनों से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है. तो इसके लिए हम अपना जो पहला मेथड है उसको यूज़ नहीं कर सकते सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए. तो हम अपना सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे. उसके लिए हमने क्या करा, 2y को आपका हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया है. फिर यहाँ से हम अपनी x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. x की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 2y अपॉन 3. ठीक है ना, ये आपकी x की वैल्यू आ गई है 4 प्लस 2y अपॉन 3. ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे चेक करेंगे सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से कि हमारी कौन सी वैल्यू पे आपका रियल वैल्यू, रियल इंटीजर वैल्यू ऑब्टेन होगी. ठीक है, यहाँ पे हमने y की जगह अगर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 प्लस 0 क्या होगा, 4. 4 अपॉन 3 आपका क्या है, इंटीजर वैल्यू नहीं है. तो अगली वैल्यू की तरफ मूव करते हैं, वो क्या हो जाएगी हमारी 1. y की जगह जब हम 1 रखेंगे तो 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका, 6. 6 अपॉन 3 क्या आएगा, 2, जो क्या है आपकी एक इंटीजर वैल्यू है. तो अपना सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें अपना पहला पॉइंट मिल गया है. ये मैंने अपनी इस इक्वेशन का टेबल ड्रॉ कर लिया है. सबसे पहले हम रख रहे हैं y की वैल्यू 1. जब हमने y की वैल्यू 1 रखी तो 6 अपॉन 3 ये आपका आएगा 2. ठीक है, अब मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया है कि जब हमारे पास पहला पॉइंट ऑप्टेन हो जाता है तो उसके बाद हमें हिट एंड ट्रायल की ज़रूरत नहीं होती है. अब सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमारा डिवाइज़र है उसे इस वैल्यू में प्लस या माइनस करके अपनी फर्दर वैल्यूज़ जो हैं ऑप्टेन करेंगे. तो नेक्स्ट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 1 में आपका 3 ऐड कर देंगे. 1 में जब आप 3 ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा. अब यहाँ पे हम y की जगह आपका 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 टू ज़ा 8, 8 प्लस 4 क्या होगा आपका, 12, और 12 अपॉन 3 क्या आ जाएगा, 4. ठीक है, अब सिमिलरली थर्ड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आप इसमें प्लस 3 भी कर सकते हैं. मैं 1 में 3 माइनस कर रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा आपका, माइनस 2. अब यहाँ पे y की जगह माइनस 2 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 4. 4 माइनस 4 0, और 0 अपॉन 3 क्या हो जाएगा आपका, 0. तो जो हमें पहली इक्वेशन गिविन थी, दैट इज़ 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, हमने उसका सोल्यूशन का टेबल ऑप्टेन कर लिया है. ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है, दैट इज़ ये हमारी थी पहली इक्वेशन. अब जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इसका टेबल ऑप्टेन करेंगे. इसका टेबल ऑप्टेन करना बहुत ईजी है. यहाँ सिंपली x इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, इन दोनों टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस वाई. ठीक है, अब इसका भी टेबल प्लॉट करेंगे. अब यहाँ पे आप y की अलग अलग वैल्यूज रख के अपनी x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सबसे पहले हमने y की जगह आपका 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी. फिर मैंने y की जगह आपका 2 रखा तो आपकी इसकी वैल्यू आएगी 1. फिर सिमिलरली एक वैल्यू नेगेटिव की भी रख लेते हैं तो मैंने यहाँ y की जगह रखा माइनस 1 तो आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 4.
ठीक है, जब हम माइनस वन रखेंगे तो थ्री माइनस माइनस वन क्या हो जाएगा आपका, थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन गिवन था जिसमें हमें दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स गिवन थी, हमने उन दोनों का ही सोल्यूशन का, थ्री थ्री सोल्यूशंस का एक टेबल जो है ऑब्टेन कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, ये हमारी हो गई वर्टिकल वाई एक्सिस और ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, ये आपकी एक्स, फिर सिमिलरली इधर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये आपकी एक्स डैश। एक्स में हमारी कोई नेगेटिव वैल्यू वैसे है ही नहीं, वाई में आपकी वैल्यू जा रही है मैक्सिमम फोर तक, तो वन टू थ्री फोर ये आपकी वाई एक्सिस, और वाई में नेगेटिव वैल्यू माइनस वन तक ही है बस, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये आपका वाई डैश। ठीक है, ये हमने अपना ग्राफ प्लॉट कर लिया। ये आप हमेशा अपने जो आपने वैल्यूज ऑब्टेन करी हैं उसके हिसाब से ही प्लॉट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लेने की नीड नहीं है अगर आपके पॉइंट्स छोटे ही हैं। हमने x में चेक करा, यहाँ पे आपकी x की वैल्यू 4 तक मैक्सिमम जा रही है, यहाँ पे आपकी x की वैल्यू भी यहाँ पे भी 4 तक जा रही है, तो इसलिए हमने 5 तक अपना बना लिया। फिर सिमिलरली हम y की वैल्यूज़ देखेंगे, y की वैल्यू भी मैक्सिमम 4 तक जा रही है तो हमने 4 तक ड्रॉ कर लिया, और नेगेटिव में माइनस वन जा रही है तो वो हमने प्लॉट कर लिए। यहाँ आपकी x की कोई वैल्यू नेगेटिव है ही नहीं तो हमने इसलिए एक दो पॉइंट्स दिखा के वहाँ पे उसे स्किप कर दिया है। अब अपना पॉइंट प्लॉट करते हैं एक एक करके। पहला पॉइंट है 2, 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो ये आपका हो जाएगा 2, 1। सेकेंड पॉइंट है 4, 4, 4, ये आपका पॉइंट हो जाएगा 4, 4। ठीक है, थर्ड पॉइंट है 0, -2, x आपका 0 है और y की वैल्यू -2 है, तो ये आपका पॉइंट होगा 0, -2। इन तीनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया है, और यहां पे हम अपनी इक्वेशन भी लिख देते हैं क्योंकि यहां पे हमें दोनों इक्वेशंस प्लॉट करनी है, तो जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो मैंने यहां पे अपनी इक्वेशन भी नोट डाउन कर दी है कि ये हमारी कौन सी इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हुई है। ठीक है ना, थोड़ा सा इसे हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर लिया है। अब जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसके पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। उसके पॉइंट है आपके x3, 0, वो हो जाएगा आपका ये। सेकंड पॉइंट है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। थर्ड पॉइंट है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -1, 4 और y की वैल्यू -1, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस। ठीक है, ये हमने जो आपका सेकंड इक्वेशन है दैट इज x प्लस वाई माइनस थ्री उसके पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। अब मैं इनको भी ज्वाइन करता हूं, ये मैंने इनको भी थोड़ा सा आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर लिया है। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमें एक क्वेश्चन में क्या गिवन है, दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है, 3x-2y = 4 और x+y-3। हमने सबसे पहले क्या करा, उनको उनके तीन तीन सोल्यूशन ऑब्टेन कर लिए हैं। अब उसके बाद हमें कहा गया है कि उन्हें सेम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, तो हमने एक ग्राफ अपना लिया और उस पर अपनी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करके अपना एक एक करके जो हमारे सोल्यूशन ऑब्टेन हुए थे उन्हें यहाँ पर प्लॉट करा। ठीक है, अपनी सेकंड इक्वेशन को भी लेबल कर देते हैं, ये है आपकी x+y-3 = 0। ये हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है कि हमने दोनों ग्राफ ऑब्टेन कर लिए हैं। पर इसमें एक चीज़ और पूछी गई है, ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द ग्राफ। इंटरसेक्शन मैंने आपको बताया था कि ये किसी पॉइंट पर क्या है मीट कर रही होंगी, तो आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये क्या है, दोनों मीट कर रही हैं या हम कहें आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जो पॉइंट है ये आपका कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे x एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पे। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे यहाँ से, 2, 1। तो हम क्या लिखेंगे, दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
of both the equations is 2, 1. Understood? सबसे एंड में हमसे क्या पूछा गया है, ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन का मतलब ये दोनों कर्व आपके किसी एक पॉइंट पे जरूर या तो वहाँ से पास हो रहे होंगे या मीट कर रहे होंगे, तो हमें सिंपली बस उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. तो सबसे पहले हमने ग्राफ में से उस पॉइंट को फाइंड आउट करा और फिर हमने उसके दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे. जो वहाँ से हमारे उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. और इस क्वेश्चन में हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है 2, 1. सो आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन अ वर्ड प्रॉब्लम. यहाँ पे आपको एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है. सबसे पहले इसे रीड आउट कर लेते हैं. द फोर्स एग्जर्टेड टू पुल अ कार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. यहाँ पे क्या है, जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है टू पुल अ कार्ट, किसी कार्ट को पुल करने में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. एक्सप्रेस दिस स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स. ठीक है. एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कॉन्स्टेंट मास इक्वल टू 6 kg. अभी हम क्वेश्चन को यहीं तक रीड करते हैं, इसको समझते हैं हमें क्या कहा गया है. यहाँ पे क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन हमें गिवन है और हमें इस सिचुएशन को एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करना है. मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी आपको बताया है, जब भी हमें किसी वर्ड प्रॉब्लम को फ्रेम करना है एज अ लीनियर इक्वेशन, तो वहाँ पे हमें अपनी वो दो चीज़ें ढूंढनी होती हैं जिन्हें हम अपने वेरिएबल x और y असाइन कर सकें. तो यहाँ पे दो ही चीज़ों की बात हो रही है, पहली है हमारी फोर्स और सेकेंड है हमारी एक्सेलरेशन. तो ये बहुत ईजिली क्लियर है कि हम x और y किसको लेट करने वाले हैं, अपने फोर्स और एक्सेलरेशन को. ठीक है. तो अपना क्वेश्चन को शुरू करने के लिए सबसे पहला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा कि हम अपने फोर्स और एक्सेलरेशन में से किसी एक चीज़ को एक्स और किसी एक को वाई लेट करें. तो यहाँ पे मैं जो फोर्स अप्लाइड है, जो फोर्स हमने एग्जर्ट करा है कार्ट पे, उसे मैंने लेट करा है, लेट फोर्स एग्जर्टेड टू पुल द कार्ट बी, आपका ये मैंने मान लिया वाई. एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड भी, जो आपका फोर्स की वजह से जो आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो हो जाएगा आपका एक्स. ठीक है. जब भी आपको कोई सिचुएशन गिवन है और आपको उसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करते हैं, वो दो चीज़ें ढूंढते हैं जिन्हें हम अपना वेरिएबल असाइन कर सकते हैं. या हमें क्लियरली पता था कि एक चीज़ क्या है, हमारी फोर्स है और सेकंड चीज़ हमारी एक्सेलरेशन है, क्योंकि उसके अलावा किसी और चीज़ की यहाँ पे क्या है बात ही नहीं हुई हुई है. और हमें जो रिलेशन गिवन है वो भी इनके बीच में गिवन है. ठीक है. तो हमारी इक्वेशन तभी फॉर्म होगी जब हम उस रिलेशन को यूज़ करेंगे. तो हमने अपनी फोर्स को क्या लेट करा है, वाई लेट करा है और अपने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड को हमने एक्स लेट कर लिया है. अब अपने रिलेशन पे आते हैं. क्या कहा है, फोर्स एग्जर्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यहाँ पे आपको क्या कहा गया है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड. इसको हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, या हम पहले यहाँ फोर्स और एक्सेलरेशन की जगह अपना वाई प्रोपोर्शनल एक्स कर लेते हैं. ठीक है. अब हमने पढ़ा है साइंस में भी, जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, y इक्वल्स टू, हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट रख लेते हैं. ठीक है. लेट से मैंने वो कांस्टेंट आपका m माना, तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी y इक्वल्स टू mx. ये हमने क्या करा है, जो हमें रिक्वायर्ड एक कंडीशन, एक सिचुएशन गिवन थी, हमने उसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में क्या है रिप्रेजेंट कर लिया है. अब क्वेश्चन में एक और चीज़ ध्यान से पढ़िए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कॉन्स्टेंट मास इक्वल टू 6 kg. ये जो कॉन्स्टेंट है हमें इसकी वैल्यू क्या है गिविन है 6 kg. तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को आपका और सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू 6x. इसे सेकेंड कर लीजिए चाहे. ठीक है. हमें क्वेश्चन में फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में एक रिलेशन गिवन था. रिलेशन क्या गिवन था, दैट फोर्स एग्जर्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस कंडीशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. जब भी आपका प्रोपोर्शनल का साइन हम रिमूव करते हैं तो वहाँ इक्वल टू के साथ एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हमें अप्लाई करना होता है, जो मैंने यहाँ पे आपका m लेट करा है.
फोर्स मैंने यहाँ पे आपका वाई लेट करा था और एक्सेलरेशन आपका एक्स, तो उन वैल्यूज़ को भी मैंने अपनी इक्वेशन में क्या है सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब क्वेश्चन में हमें एक चीज़ और गिवन है दैट मास इज इक्वल्स टू 6 kg और द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, ये जो आपको गिवन है दिस कॉन्स्टेंट इज 6 kg, तो ये जो हमारा कॉन्स्टेंट हमने लेट करा था एम, हमने इसकी जगह आपकी 6 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बन गई है वाई इक्वल्स टू 6x। अब हमें क्या करना है इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें पता है हमें मिनिमम 3 सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए, तो हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे x की वैल्यूज रखेंगे और आपकी y की वैल्यूज ऑब्टेन करेंगे। सबसे पहले मैंने x की वैल्यू रखी 0, तो आपकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 × 0, दिस कम्स आउट टू बी 0। अब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू रखी आपकी 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 6 × 1 = 6। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे x की जगह आपका रखूँ 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 × 3 = 18। ये हमने अपना ग्राफ प्लॉट करने के लिए जो हमें 3 सॉल्यूशंस का सेट रिक्वायर्ड होता है वो ऑब्टेन कर लिया है। अब इन पॉइंट्स की हेल्प से हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और जो हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है रीड फ्रॉम द ग्राफ फोर्स रिक्वायर्ड व्हेन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज 5 m/s² एंड 7 m/s², इसको ग्राफ की हेल्प से फिर हमें रीड करके बताना है कि जब हमारा एक्सेलरेशन 5 होगा या जब हमारा एक्सेलरेशन 7 होगा तो हमारी फोर्स कितनी रिक्वायर्ड होगी। अब पहले हम क्या है इन 3 सॉल्यूशन की हेल्प से अपना ग्राफ यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं कि हमारा इसका ग्राफ किस तरीके से आएगा, और फिर हम अपने सेकंड पार्ट का आंसर ग्राफ की हेल्प से देंगे। अभी हमने क्या ऑब्टेन करा था, जो हमारी लीनियर इक्वेशन थी उसके हमने 3 सॉल्यूशंस का टेबल ऑब्टेन कर लिया था। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई की कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे केवल आपका क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट शो कर रहा हूँ। जो सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है उनको मैं ज़्यादा आपका यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आए अगर आपकी ऐसी वैल्यूज़ हों जो सारी पॉजिटिव हैं तो आप केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट इस तरीके से अपना ग्राफ प्लॉट करके भी शो कर सकते हैं। अब एक एक करके अपना पॉइंट प्लॉट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा x0 एंड y0, तो वो क्या हो जाएगा आपका ओरिजिन, इंटरसेक्शन होता है आपका 0, 0। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है आपका x1, y6 आपका ये हो गया 1, 6। सेकेंड पॉइंट है आपका x3 एंड y18, x3 और आपका y हो गया 18, ये आपका हो गया 3, 18। यहाँ पे मैंने जानबूझ के 6, 6 के गैप में लिए हैं क्योंकि मेरी जो वैल्यूज़ थी वो क्या है 6 के मल्टीपल्स में थी, तो इसलिए जिससे मेरा क्या है कम स्पेस में ही ज़्यादा ग्राफ कवर हो जाए, तो मैंने यहाँ पे आपका 6, 6 का गैप लिया है। अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या है हमें एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी। इसको हम थोड़ा सा आपका एक्सटेंड कर देते हैं। ये हमने अपनी लाइन को एक्सटेंड कर दिया है। ये हमारा पहला पॉइंट था 0, 0, ये हमारा सेकंड पॉइंट था 1, 6 और ये हमारा थर्ड पॉइंट था 3, 18। ये हमने इसे थोड़ा सा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एक्सटेंड कर दिया है। ये हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसके मेन और नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। रीड फ्रॉम द ग्राफ, हमें कैलकुलेट करके नहीं बताना है, हमें ग्राफ से ही चेक करना है कि जब हमारा एक्सेलरेशन 5 m/s² होगा तो हमारी फोर्स कितना होगी। फोर्स हमारी क्या है वाई, तो हम क्या करेंगे एक्सेलरेशन हमें 5 m/s² का है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे आपके 5 पे ये हमारा क्या है एक्सेलरेशन है और ये हमारा क्या है फोर्स है। जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे अपने एक्सेलरेशन पे के 5 पॉइंट पे एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये आपका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वो इस कर्व को जिस पॉइंट पे भी मीट कर रहा होगा अब उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर आपका यहाँ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमने क्या करा है जो भी आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन थी, यहाँ पे आपको 5 गिवन थी, तो सबसे पहले हमने 5 से एक लाइन ड्रॉ करी है जो आपके कर्व को मीट करेगी। जिस भी पॉइंट पे वो आपके कर्व को मीट कर रही है फिर वहाँ से हमने एक डॉटेड लाइन आपकी वाई एक्सिस पे ड्रॉ करी है। अब जिस पॉइंट पे ये इसे इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे यहाँ में क्या पूछा था फोर्स कितनी रिक्वायर्ड है जब एक्सेलरेशन कितना है आपका 5 है,
तो व्हेन एक्सेलरेशन इज 5, आपका फोर्स कितना आया है? 30. तो आपका जो पहला पार्ट है उसका आंसर क्या हो जाएगा? 30. और फोर्स की यूनिट क्या होती है आपकी? न्यूटन. तो हम अपने फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखेंगे कि जब हमारा एक्सेलरेशन 5 है तो हमारी फोर्स कितनी आई है? 30 न्यूटन. अब सेकंड पार्ट है 7 के लिए, तो अगेन सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे. आपके 7 के लिए भी एक यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ करी जो आपके कर्व पे मीट करेगी, फिर अगेन यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे. तो ये आपके किस पॉइंट पे मीट कर रही है? 42 पे. तो सेकंड पार्ट का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 42 न्यूटन. आप अपने फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हो, आपकी यहाँ पे इक्वेशन क्या बनी थी? y इक्वल्स टू 6x. जब आप x की जगह 5 रखोगे तो 6 5 30, तो आपकी जो वैल्यू है वो आप चेक भी कर सकते हो कि वो बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है या नहीं आ रही है. सिमिलरली जब आप 7 रखोगे तो 7 6 42, तो ये आपका क्या है? 42 है. तो इस तरीके से क्या है, आप अपने इस आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो. और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जरूर एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही है कि आपको ग्राफ से रीड करनी है कि आपकी वैल्यू क्या आ रही है. तो इस तरीके से हम जो भी आपको पॉइंट है वहाँ से आपकी एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ भी वो आपके कर्व को मीट करेगी, फिर वहाँ से एक डॉटेड लाइन वाई एक्सिस पे मीट करेंगे. जिस पॉइंट पे ये वाई एक्सिस पे आपकी मीट करेगी वो आपका आंसर हो जाएगा. सो हम अपनी वीडियो के लास्ट पार्ट पे आ गए हैं, दैट इज़ केस बेस्ड क्वेश्चन. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आज के लेक्चर में हम एक केस बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं, तो ये हमारा एक केस बेस्ड क्वेश्चन का एग्जाम्पल है. और मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि यहाँ पे हम केवल एक एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, पर हमारी बुक जो है एग्जाममेट कंप्लीट कोर्स पैकेज, उसमें आपको इसके बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे. तो मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप इस बुक को ज़रूर परचेज करें, जिससे आप केस बेस्ड क्वेश्चन की और भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें. और इसमें इसके साथ ही आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, जो आपको आपके एग्ज़ाम्स में बेटर स्कोर करने में बहुत हेल्पफुल होंगे. अब अपने क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं. हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है? द ऑटो रिक्शा फेयर. यहाँ पे क्या गिवन है? द ऑटो रिक्शा फेयर इन अ सिटी इज चार्ज्ड एज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर. जो आपका फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए चार्ज क्या है? फिक्स किया गया है ₹15 एंड ₹10 पर किलोमीटर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कवर. और उसके बाद जितना डिस्टेंस कवर होगा उसका चार्ज क्या है? 10 पर किलोमीटर. ठीक है, इसको एक बार दोबारा से और समझ लेते हैं. जो आपका पहला किलोमीटर है उसका चार्ज फिक्स किया गया है एज ₹15 एंड ₹10 पर किलोमीटर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस. सपोज कोई 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो पहले किलोमीटर का तो उसका चार्ज क्या लगेगा? 15. और जो नेक्स्ट जो आपका सेकंड किलोमीटर होगा उसके लिए उसका चार्ज क्या लगेगा? ₹10 लगेगा. तो उसका टोटल फेयर कितना हो जाएगा? 15 + 10 = 25 हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. बेस्ड ऑन द गिवन सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये हमें एक स्टेटमेंट गिवन था, हमें इसके ऊपर कुछ आपके क्वेश्चंस गिवन है. टेकिंग टोटल डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर. अब ये भी हमारा क्वेश्चन में क्या है, हमें एक फ्री कर दिया, हमें x और y यहाँ पे पहले ही बता दी है. तो हमें अब ये भी नहीं सोचना कि हमें x और y कैसे लेना है. सिंपली जो हमारा टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ है उसे हम लेट करेंगे x, और जो हमारा टोटल फेयर जो आपका टोटल कॉस्ट बैठेगी वो डिस्टेंस कवर करने में वो आपकी y है. राइट अ लीनियर इक्वेशन इन ड्रॉइड्स ग्राफ. हमें एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स लिखनी है और फिर हम उसके सॉल्यूशंस की हेल्प से उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. एक और पार्ट है इसमें, रीड फ्रॉम द ग्राफ द टोटल फेयर व्हेन डिस्टेंस कवर्ड इज 4 किलोमीटर. जब हमारा डिस्टेंस 4 किलोमीटर होगा तो हमें ग्राफ से बताना है कि हमारा जो टोटल फेयर है, जो हमारा अपना डिस्टेंस कवर करने में जो हमें चार्ज बैठेगा वो कितना बैठेगा. अब सबसे पहले इसको देखते हैं कि इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो उसे लीनियर इक्वेशन में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. हमारे क्वेश्चन में ये चीज़ आपकी पहली मेंशन हो गई है कि जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है? x है, और जो टोटल फेयर है y है. जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? टोटल फेयर इक्वल्स टू फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर इनटू डिस्टेंस कवर्ड. ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला है. जैसे मैंने आपको जब हमने एक
टू डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ा था, तो वहाँ पे भी मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि हम अपना नंबर किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं। तो उसी तरीके से जब भी आपका किसी ऑटो रिक्शा या कार या कोई इस तरीके का क्वेश्चन आए जिसमें आपको एक फिक्स चार्ज की बात की गई हो कि ये आपका फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज है, ठीक है, और फिर आपको एक बात की गई हो कि उसके आगे उसका चार्ज क्या है, तो वहाँ पर हम अपना टोटल फेयर इस तरीके से निकालते हैं। टोटल फेयर इक्वल टू फिक्स चार्ज, या यहाँ पर हम कह सकते हैं आपका फर्स्ट किलोमीटर का जो चार्ज है, ठीक है, कभी कभी ये फिक्स चार्ज भी होता है और कभी कभी ये फर्स्ट किलोमीटर चार्ज भी होता है। तो फर्स्ट किलोमीटर चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर इनटू सब्सीक्वेंट डिस्टेंस कवर्ड, उसके बाद जो आपका डिस्टेंस कवर हुआ है वो, ठीक, ये हमारा एक बेसिक उसका फॉर्मूला हो गया। अब इसे रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल फेयर हमें क्या गिवन है, y गिवन है, हमारा जो फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज है वो कितना गिवन है, 15 गिवन है प्लस। अब ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा, हम ऐसा क्यों करते हैं ये भी देखिए, यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर है, मतलब अगर आप 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें जो x है वो 5 किलोमीटर होगा, और यहाँ पे हमें गिवन है कि फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज क्या है, 15 है, तो ये जो 10 रुपीज़ पर किलोमीटर है वो क्या है, अगले 4 किलोमीटर पर लगेगा, आपके पहले किलोमीटर से तो लगेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर जो हम आपका चार्ज पर किलोमीटर की जगह तो रखेंगे 10, और सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कवर्ड में आपका x माइनस 1 रखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार दोबारा समझ लेते हैं इसको, हमने ऐसा क्यों करा है, यहाँ पे हमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड आपका x किलोमीटर गिवन है जो हमने आपका ट्रेवल करा है, पर हमें फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज आपका रुपीज़ 15 वो हमने यहाँ पे पहली ले लिया है, तो अब हमारा जो डिस्टेंस बचा है हम उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर ये कुछ ऐसा होता कि रुपीज़ 15 फॉर द फर्स्ट 2 किलोमीटर्स, तो हम यहाँ पे x माइनस 2 करते, ठीक है, आपका टोटल डिस्टेंस था x किलोमीटर, उसमें से जो हमारा फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज था दैट इज़ फर्स्ट किलोमीटर वो हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे जो हमारा सब्सिक्वेंट डिस्टेंस जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, x माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं और अपनी एक लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू 15 प्लस 10x माइनस 10, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वाई इक्वल्स टू 10x प्लस 5। तो हमारे क्वेश्चन की जो बेसिक किसी भी क्वेश्चन की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर की जो डिमांड होती है वो क्या होती है कि किसी भी सिचुएशन को एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म देना, तो वो यहाँ पे हमने ऑब्टेन कर लिया है, ठीक है। उसके लिए हमने कि आपका एक बेसिक जनरल फॉर्मूला होता है इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसकी हेल्प ली है। टोटल फेयर हमारा वाई गिवन था, जो फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज था वो हमें 15 गिवन था, जो आपका उसके बाद चार्ज पर किलोमीटर था वो 10 था, और डिस्टेंस हमारा कितना बचा, क्योंकि हमने 1 किलोमीटर यहाँ इसमें कवर कर लिया है, तो इसलिए x माइनस 1 हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। इसको सॉल्व करके हमारी इक्वेशन आ गई है y इक्वल्स टू 10x प्लस 5। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, हमें पता है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम हमें 3 सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे हम एक पहले इसका टेबल ऑब्टेन कर लेते हैं। यहाँ पे अब मैं x की वैल्यू रखूँगा 0, तो आपकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इंटू 0 प्लस 5, यहाँ पे 0 नहीं रखते हैं, 1 से शुरुआत करते हैं आपकी, तो ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस 5 15। फिर हमने सपोज करिए आपकी वैल्यू रखी 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 10 टू ज़ा 20 प्लस 5 25। फिर मैंने एक वैल्यू रखी आपकी 5, तो ये हो जाएगा 10 5 ज़ा 50 प्लस 5 55। ये हमारी जो हमने लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन करी है उसके 3 सॉल्यूशन सेट भी ऑब्टेन कर लिए हैं। अब हम इसको क्या है, एक ग्राफ अपना लेके उस पर इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, और जो हमारे क्वेश्चन का फाइनल पार्ट है, रीड फ्रॉम द ग्राफ द टोटल फेयर व्हेन डिस्टेंस कवर्ड इज 4 किलोमीटर, उस इस पार्ट को उस ग्राफ की हेल्प से आंसर करेंगे। सो अभी तक हमने क्या है, जो हमें सिचुएशन गिवन थी उसे हमने एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म दे दी है, वो हमारी इक्वेशन क्या आई है, y इक्वल्स टू 10x प्लस 5। अब उसका ग्राफ ड्रॉ करना था, तो उसके लिए हमने क्या है, उसके 3 सॉल्यूशन सेट लिए हैं, पहला है हमारा 1.15, सेकंड 2.25 और लास्ट है 5.55। अब ये मैंने एक अपना ग्राफ ड्रॉ करा है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल x एक्सिस, ये वर्टिकल y एक्सिस, यहाँ पे मैंने 5 के मल्टीपल्स की वैल्यू ली है, क्योंकि मेरी जो सारी y की वैल्यू है वो क्या है, 5 की मल्टीपल्स हैं। अब एक एक करके इन पॉइंट्स को इस ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 15, तो 1.15
ये आपका पॉइंट हो जाएगा 1,15। फिर सेकेंड है आपका 2,25, तो x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 25, ये आपका हो जाएगा 2,25। जो आपका लास्ट पॉइंट है वो है x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 55, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जो हमारे x और y हैं वो क्या हैं, x है हमारा डिस्टेंस कवर्ड, वो भी नेगेटिव नहीं होता है, और जो हमारा फेयर है वो भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए ना ही हमने जब इसको सॉल्व करा है तो कोई नेगेटिव वैल्यू ली है, और ना ही मैंने क्या कहता है आपका इसको नेगेटिव में ड्रॉ करा है। मैं यहाँ पे भी आपका पिछले क्वेश्चन की तरह केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट ही प्लॉट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे एक्स और वाई हैं वो दोनों ही क्या है पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं, वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या है केवल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट शो कर रहे हैं। अब हमने अपने तीनों पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हैं, अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ये आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आपके बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी। मैंने थोड़ा सा फ्री हैंड से ड्रॉ करी है तो थोड़ी सी मेरी लाइन क्या है यहाँ पे टिल्ट हो गई है, पर जब आप ग्राफ पेपर पे प्रॉपर प्लॉट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या है एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी। अब हमारे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है, रीड फ्रॉम द ग्राफ द टोटल फेयर व्हेन डिस्टेंस कवर्ड इज 4 किलोमीटर। अब हमारा डिस्टेंस कवर्ड क्या है 4 किलोमीटर, डिस्टेंस हमारा क्या है एक्स है, तो हम एक्स पे क्या करेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह एक आपकी यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हमने अपनी परपेंडिकुलर ड्रॉ करी और ये जिस पॉइंट पे हमारे कर्व को मीट कर रही होगी हम वहां पे इसको भी इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, और जिस पॉइंट पे ये मीट करेगी वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दैट इज जब हमारा डिस्टेंस क्या है, जब हमारा डिस्टेंस 4 किलोमीटर है तो हमारा टोटल फेयर का जो अमाउंट बैठेगा वो कितना आएगा, जो हमारा फेयर है वो आएगा आपका 45 रुपीज। और आप अपनी इक्वेशन से भी चेक कर सकते हैं, जब आप यहाँ पे x की जगह 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 × 4 = 40 एंड 40 + 5 कम्स आउट टू बी 45। तो इसका मतलब जो आपके ग्राफ आपने ड्रॉ करा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपकी जो ग्राफ से वैल्यू आई है और जो मैथमेटिकली सॉल्व करके वैल्यू जो आ रही है वो दोनों क्या है सेम है। तो यहाँ से आपका ये भी प्रूफ हो जाता है कि ये जो आपने ग्राफ ऑब्टेन करा है अपनी लीनियर इक्वेशन का वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हमने आपके लिए एक होम असाइनमेंट प्रिपेयर करा है जिससे जो भी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन हमने आज की वीडियो लेक्चर में कवर करे हैं उनका आपका क्या है रिवीजन हो जाए। इन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट में कोई क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, वी विल बी राइट बैक विद अ न्यू वीडियो। टिल देन व्हाट यू हैव टू डू इज टू लाइक दिस वीडियो, शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स and subscribe to our channel for more educational videos like this. Stay connected and stay safe.